हाय फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सामान खरीदा हो और कुछ ही दिनों में उसका प्राइस नीचे आ गया हो? नो, देन यू आर लकी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने एक मोबाइल खरीदा था और अगले ही महीने में 960 रुपीज प्राइस नीचे आ गया एंड आई फेल सो एम्बेरेसिंग। लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं जान गया हूँ वो मंत्र। मुझे पहले ही पता चल जाता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम कितना हो सकता है। क्या आप भी जानना चाहेंगे? ओके, ऑलराइट, आई टेल यू। फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश रोशन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वायरल इन्फो वॉर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे प्राइस ट्रैकर के बारे में जिसका नाम है बाई हटके। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, आप बाई हटके का इस्तेमाल जरूर करें। यह आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस का हिस्ट्री पहले ही बता देगा, जिससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और जानते हैं कि बाई हटके का इस्तेमाल हम कैसे। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे जानते हैं कि बाई हटके का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक गूगल क्रोम खोलेंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे बाई हटके। अब यहाँ पे गूगल में बाई हटके खुल करके आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक ये बाई हटके खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम द क्रोम, क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे क्रोम में ऐड करा रखा है, इसलिए यहाँ पे रिमूव करने के लिए बोला है। आप लोगों को यहाँ पे लिखा आएगा ऐड टू क्रोम, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारे क्रोम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम अमेजोन पर जाएंगे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पर भी हम जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अमेजोन के पेज पे। यहाँ पे आने के बाद किसी भी एक प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी इसका जो प्राइस दिखा रहा है 10,999 का दिखा रहा है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि 1 वीक पहले इसका प्राइस क्या था, या 2 वीक पहले इसका प्राइस क्या था, या 1 मंथ पहले इसका प्राइस क्या था, जिससे हमें जानकारी ये मिलेगी कि इसका लोएस्ट प्राइस कितना हुआ है। हालांकि इससे पहले एक और मैं गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बता चुका हूँ जिसका नाम था कीपा चार्ट। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हो। तत्काल मैं इस क्रोम एक्सटेंशन की बात करता हूँ, इसका नाम है बाई हटके। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोडक्ट खोला, यहाँ पे साइड बार में कुछ निकल करके आ रहा है। यही है हमारा क्रोम एक्सटेंशन जो बाई हटके का है। यहाँ पे 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये प्राइस ग्राफ, दूसरा वॉच प्राइस ऑन, और तीसरा कूपन्स। तो सबसे पहले हम प्राइस ग्राफ को हम ट्रैक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्राइस का ये ग्राफ बना हुआ है कि अभी जो है अक्टूबर को यहाँ पे दिखा रहा है इसका प्राइस था 10,990। उसके बाद थोड़ा दिन आगे बढ़ने के बाद ये हो गया 999, यानी 1,000 डिक्रीज किया प्राइस। उसका फिर 949, यानी 1,500 डिक्रीज किया प्राइस। उसके बाद अभी हम लास्ट में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 10,099 सेम प्राइस आज का भी दिखा रहा है। बट ये ऐप जो है और भी बहुत कुछ बताता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि मीडियम चांस ऑफ द प्राइस ड्रॉप, यानी इसका प्राइस का जो नीचे आने का जो चांसेज है वो भी है, यानी यहाँ पे 50% चांसेज कि इसका प्राइस नीचे आएगा। वो कब आएगा? 2 से 3 दिनों के अंदर में आएगा। 9,490 रुपीज, यानी अभी हम इस प्रोडक्ट को अगर हम बाई करते हैं तो हमें घाटा है। तो इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि चांसेज हैं ड्रॉप होने के। ठीक है, एक तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। सेम इसी तरीके से हम फ्लिपकार्ट पे भी जाते हैं, यहाँ भी सेम तरीके से ये हमें दिखाएगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये हेडफोन स्पीकर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। किसी प्रोडक्ट को हम डिटेल में जब ओपन करेंगे तो ये साइड बार जो है पूरी तरह हाईलाइट होकर के आ जाएगा सामने। और यहाँ पे हम प्राइस ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। अभी देखो यहाँ पे 22 जून को यह 999 बिक रहा था ये, और अभी क्या है इसका प्राइस, यानी 500 के आसपास ये अभी। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि लो चांस ऑफ द प्राइस ड्रॉप, यानी अब प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो यदि हमें बहुत ज़रूरी है तो हम इस पर खरीद सकते हैं, या नहीं तो हम किसी और प्रोडक्ट को सर्च करके उसका प्राइस ग्राफ जान करके और जान सकते हैं कि उसका लोएस्ट प्राइस। मेन हमारा मोटो ये होता है कि उसका लोएस्ट प्राइस जानना।
अगर हम लोएस्ट प्राइस जान जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कम से कम इसका प्राइस क्या होता है और ज्यादा से ज्यादा इसका क्या होता है, जिससे हम यहाँ पे वॉच प्राइस टाइम पे हम ट्रैकर में लगा देंगे। यहाँ पे ट्रैकर में लिख करके आ रहा है कि किस प्राइस में, यानी इसका जो लोएस्ट प्राइस है वहाँ पे वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे जैसे ही उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट आएगा तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम और तब हम उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइस ग्राफ, वॉच प्राइस टर्मोन और तीसरा है कूपन। कूपन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन इस स्टोर पे यानी अमेजोन के स्टोर पे या फ्लिपकार्ट के स्टोर पे जितने भी कूपन अप्लाई हो सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे, ये सब सारे कूपन जो है अलग अलग प्रोडक्ट पे अप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हमारे विस लिस्ट में वो प्रोडक्ट है तो उस ऑफर को हम ग्रैब कर सकते हैं और अपने हम पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम प्राइस ट्रैक करके हम अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और एक स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे कोई भी साइट हो, अमेजन का साइट हो, फ्लिपकार्ट साइट हो। फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश ये करें कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जो रिलायबल हो उस पे हम शॉपिंग करें। अभी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग के साइट्स भी आ गए हैं जो सारे रिलायबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तत्काल अभी जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट ज़्यादा रिलायबल है, इसमें प्रोडक्ट गलत होने के चांसेस कम होते हैं, वेरिएशन बहुत अच्छा मिल जाता है, कलर्स रेंज काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। अगर प्रोडक्ट रिप्लेस करने की बात हुई, रिटर्न करने की बात हुई, तो इसका पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, जो चीज़ें हमें फिजिकल स्टोर पर नहीं मिल पाता। तो ये तो हो गया तीन चीज़ों के बारे में कि प्राइस ग्राफ, प्राइस को ट्रैक कैसे करेंगे, जो प्राइस मैंने ट्रैक किया है उसका नोटिफिकेशन हम कैसे आए, और कूपन्स जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हैं वो हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अब बारी है कुछ ऐसे टिप्स की जब ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला है जब भी खरीदारी करें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जरूर ले लें, और उसमें भी SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसमें हमें अलग से 10-15% का अलग से डिस्काउंट मिलता है। दूसरा क्या है कि प्राइस कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट के साइट पे ही मत देखें, उस प्रोडक्ट के वेबसाइट पे भी जा करके उस प्राइस को हम ट्रैक कर सकते हैं कि उस पे कितने का बिक रहा है, तब हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये कितने के बिक रही है। जब भी कोई प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर होता है उसको अनबॉक्सिंग करते वक्त यानी उसको खोलते वक्त उसका एक वीडियो जरूर बनाए। सपोज कि मैंने AC डिलीवर किया हुआ है जिसका मिनिमम प्राइस कम से कम तो 30,000 होता है, और उसमें कुछ गलत प्रोडक्ट आ गया या खराब समय में आ गया या डी मटेरियल आ गया या रिफर्बिश्ड आ गया, किसी भी तरीके का आ गया है, वो हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे साइट पे रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, अगर कुछ गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो भी जाता है तो वो आसानी से रिटर्न भी हो जाता है। चौथा चीज ये है कि जिस प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ तो उस सेलर का रिव्यू एक बार जरूर चेक करें। कभी कभी क्या होता है कि जिस सेलर का प्रोडक्ट का वेरिएशन गलत तरीके से डिलीवर हो जाता है, चाहे वो कलर डिफरेंट होता है या साइज डिफरेंस होता है, किसी भी तरीके की परेशानी होती है, तो उसका रिव्यू कम होता है, उसका जो रेटिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है। सपोज किसी सेलर का 3 स्टार्स मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साइट पर उसका जो प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ वो कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसका रेटिंग भी एक बार चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर 4 स्टार है, 5 स्टार है तो हम उसको अच्छा सेलर मानते हैं। So guys, this is my video. Please like, share and comments and subscribe my channel. And don't forget to hit the red button to get the latest notification of my next video. Till then, stay connected. Jai Hind, Jai Bharat.